नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। देश में अब नरेंद्र मोदी की सरकार बनने जा रही है, कल शपथ ग्रहण समारोह है और नीतीश कुमार ने भी अब कह दिया है कि वो उधर ही रहेंगे। लेकिन बिहार की कई सारी ऐसी मांगे हैं जिस पर अब केंद्र सरकार को देखना होगा और उन्होंने उम्मीद जताई है कि वो काम हो जाएगा। हमारे साथ बिहार के वरिष्ठ पत्रकार श्री पूजन झा जी हैं। सर, लंबे समय से बिहार की मांग रही है, नीतीश कुमार की मांग रही है, बिहार को विशेष राज्य के दर्जा दिलाने की मांग रही है, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले ये मांग रही है। अगर ऐसा कराने में नीतीश कुमार सफल होते हैं तो अगले साल विधानसभा का चुनाव होने हैं, नियमता अगर हम देखें तो इसमें बड़ी कामयाबी मिलेगी। लेकिन लगता है नीतीश कुमार अपनी बात मनवा पाएंगे और वो वहीं रहेंगे? विशेष राज्य के दर्जा को लेकर के नीतीश कुमार अपनी बात बिल्कुल नहीं मंगवा पाएंगे। अब वो प्रावधान नहीं है कि किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया जा सकता है। एक सेट क्राइटेरिया था, प्लानिंग कमीशन के तहत वो निर्णय लिया जाता था, उस क्राइटेरिया में बिहार कहीं नहीं आता है। लेकिन चूंकि ठीक है, बहुत पिछड़ा राज्य है, हमेशा से हमारी मांग रही है, बिहारी होने के नाते मेरी भी इच्छा है, एक विशेष पैकेज की बात की जा सकती है। विशेष पैकेज की बात लगातार मोदी जी भी कह रहे हैं कि बिहार के लिए विशेष पैकेज हम दे सकते हैं, लेकिन विशेष राज्य का दर्जा जो है ये टर्म अब इस्तेमाल नहीं हो सकता है, संभव नहीं है। अब ऐसा कोई कानूनी प्रावधान नहीं है कि किसी भी राज्य को आप विशेष राज्य का दर्जा दे सकते हैं। लेकिन एक इमोटिव इशू रहा है, आपको पता होगा कि नीतीश कुमार ने इस बाबत दिल्ली जा कर के काफ़ी पहले धरना भी दिया था, लगातार ये मांग उठती आई है। पटना से दिल्ली तक परेड हुई है, विधायकों के साथ, सांसदों के साथ परेड हुई है। बिल्कुल बिल्कुल जायज़ मांग है, मैं कह रहा हूँ कि बिल्कुल जायज़ मांग है। चूँकि लैंड लॉक्ड स्टेट है, यहाँ इन्वेस्टमेंट हुआ नहीं, इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट कभी डेवलप नहीं हो पाया, फ्रैगमेंटेड लैंड होल्डिंग है, जो भी ज़मीनें हैं उस पर एक्सेसिव प्रेशर है पॉपुलेशन का। फ्रैगमेंटेड लैंड होल्डिंग से तात्पर्य ये है कि जो इकोनॉमिकल नहीं है लैंड होल्डिंग, बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में ज़मीन यहाँ पर है। आप देखिए, ज़मीन एक्वायर करने की कोशिश कीजिए, सबसे बड़ा चैलेंज बिहार में है ज़मीन एक्वायर करना। लॉ एंड ऑर्डर एक मुद्दा होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर एक मुद्दा होता है, ये तमाम फैक्टर्स हैं। दूसरा लैंड लॉक्ड स्टेट है, ये फैक्टर्स हैं जिस वजह से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ, जिस वजह से पलायन एक रियलिटी है। शायद ये कारण है जिस वजह से तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की ये मांग रही है, खास करके नीतीश कुमार की मांग रही है कि इसको विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। लेकिन अब ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि विशेष राज्य का दर्जा दिया जा सके, तभी मैं कह रहा हूँ कि विशेष पैकेज की बात करें नीतीश कुमार, वो ठीक रहेगा, अच्छा रहेगा, वो बिहार के हित में रहेगा। जी, वो बिहार के हित में रहेगा। कल जिस तरह से नीतीश कुमार ने पैर छू दिया, हमने वो वीडियो देखा, आपने वो वीडियो देखा, अब लगता है नीतीश कुमार तो बार बार कह रहे हैं कि हाँ हम उधर ही रहेंगे, उधर ही रहेंगे। अब वो एनडीए के साथ ही रहेंगे क्योंकि विधानसभा चुनाव अगले साल हैं? सही बोलूँ तो मैं खुद नहीं कह सकता कि नीतीश कुमार रहेंगे या नहीं रहेंगे। बॉडी लैंग्वेज किया तो आप देखिए, मैं आकलन बहुत पहले से कह रहा हूँ, 2005 के पहले से मैं बड़ा क्लोजली फॉलो कर रहा हूँ नीतीश कुमार को, कब ये निर्णय क्या ले लेंगे, इनके बेहद करीब आप संजय जी से पूछ लीजिए ना, अशोक चौधरी जी से पूछ लीजिए ना, जितने लोग इनके बेहद करीब हैं उनसे पूछ लीजिए, उनको खुद नहीं पता होगा कि क्या निर्णय ले लेंगे। लेकिन देखिए, हमें समझने की आवश्यकता है, थोड़ा वक्त आप मुझे देंगे, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। नीतीश कुमार को ये डर सता रहा था जब एनडीए गठबंधन में ये थे, इनका जो सपना था कि शायद ये भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, वो पूरी तरह से वहाँ पर जो है ऐसा प्रतीत हुआ कि संभव नहीं है, इनको तो कोऑर्डिनेटर तक नहीं बनाया गया। अलग धलग खुद महसूस कर रहे थे खुद को नीतीश कुमार। उसके बाद फिर इन्होंने सोचा कि भाई अगर इंडिया गठबंधन के तहत रहते हुए हम चुनाव में उतरते हैं तो पिछले बार 2019 में 16 सांसद थे, इस बार शायद सिंगल डिजिट में आ जाए। ये सबसे बड़ा फैक्टर था जो नीतीश कुमार ने सोचा कि फिर से इनको एनडीए के पाले में आ जाना चाहिए। एनडीए ने इनको तरजीह भी दी, आप देखते हैं कि सीट बंटवारे में इनको तरजीह मिली। जदयू को कहा जा रहा था एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है इनके खिलाफ, लेकिन इसके बावजूद भाजपा ने इनको इज्जत दी और उसके बाद इन्होंने भी परफॉर्म अच्छा किया। मैं कहूँगा कि एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद नीतीश कुमार का परफॉर्मेंस काफ़ी सराहनीय है, शायद जो स्वच्छ छवि है, कोई बेदाग छवि के व्यक्ति हैं, विकास तो बिहार का इन्होंने बिल्कुल किया है, जो निर्णय लिए हैं वो काफ़ी सराहनीय इनके हैं, इस वजह से आज 12 सीट इनको मिली है। अब ये 12 सीट क्या है वो भाजपा के लिए बेहद ज़रूरी हो चुका है। नीतीश कुमार को भी लग रहा है कि फिर से अगर एक बार पलटी मारते हैं, दूसरे खेमे में जाते हैं, तो इनके लिए भी काफ़ी चुनौतियां होंगी। उधर बहुत सारे दावेदार हैं, उधर क्या इनको वही इज्जत मिलेगी जो भाजपा इनको इज्जत दे रही है, सबसे बड़ा सवाल ये। लेकिन आपका मूल प्रश्न था, इंडिया जो है वो फिर सरकार बनाते हुए दिखेगी नहीं, दिख नहीं रही है, इसके बावजूद भी नीतीश कुमार पाला बदल लेते हैं फिर भी इंडिया गठबंधन सरकार बनाते हुए मुझे नहीं दिख रही। सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने का पैर छूने वाली बात, ये थोड़ा सा मेरे लिए अप्रत्याशित था, लेकिन इसके पहले भी नीतीश कुमार ने कोशिश की है। अब मैं थोड़ा सा आपका ध्यान आकर्षित करता हूँ 2010 के उस वाकये पर, जब यहाँ पर भाजपा का एक नेशनल एग्जीक्यूटिव बुलाया गया था, एक तस्वीर भाजपा वालों ने छापी थी, अखबार के पूरी फुल पेज ऐड था जिसमें कि नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी का हाथ थामे हुए थे, शायद लुधियाना की तस्वीर बताई गई थी।
इतने आक्रोशित हुए थे नीतीश कुमार कि उन्होंने भाजपा के लिए जो भोज दिया था, सारे भाजपा के जो नेशनल एग्जीक्यूटिव में लोग आए थे रिप्रेजेंटेटिव्स, उनके सामने से पत्तल छीन ली थी। और उसके बाद फिर आपको पता है कि किस तरीके से रिश्तों में तलखियाँ हुई थी। अब मजबूरी कहिए, भाजपा की भी मजबूरी है, नीतीश कुमार की भी मजबूरी। नीतीश कुमार के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है कि पार्टी को एकजुट कैसे रखें। अगर इंडिया गठबंधन में रहते तो ये डर सता रहा था नीतीश कुमार को कि पार्टी इनकी टूट सकती है, इसी वजह से इस पाले में आए। और मुझे लगता है कि एक अच्छा डिसीजन था जिस वजह से आज वो 12 सीट लाने में सक्षम हुए। इंडिया गठबंधन में राजद सबसे मजबूत स्थिति में था, सबसे ज़्यादा सीटों पर वो लड़ी, लेकिन इसके बावजूद कितनी सीटें आई? सिर्फ 4 सीट जी। अगर इंडिया की बात करें पूरे बिहार में तो 9 सीटें आई हैं, आरजेडी तो 4 पर ही सिमट गई फिर से, हालांकि पिछली बार उसकी संख्या 0 थी। लगता है अब तेजस्वी यादव की निगाहें नीतीश कुमार की ओर हैं, विधानसभा चुनाव भी होंगे, उससे पहले नीतीश कुमार आते हुए दिख रहे हैं साथ तेजस्वी यादव के? अगर ऐसा नहीं तो फिर मुसीबत बढ़ेगी। कोशिश जरूर करेंगे तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, मीसा भारती तो सीधे चाचा चाचा संबोधन कर रही हैं। इसके पहले जो है लिख करके छापा जाता था कि नीतीश कुमार नो एंट्री, इस तरह का बोर्ड तेज प्रताप लगाते थे, तो इंटरव्यू हो गई। लेकिन देखिए 2014 में भाजपा ने प्रचंड बहुमत दर्ज की थी, बिहार में परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा था भाजपा का। 2015 में स्थिति बिल्कुल पलट हो गई थी। तो नीतीश कुमार को मैं मानता हूं बिहार की राजनीति में वो कैटलिस्ट हैं, जिस तरफ जाएंगे उसी तरफ बल्ले बल्ले होगी। नीतीश कुमार के बिना अभी भी बीच में अभी क्या चर्चा कर रहे थे हम और आप लगातार इस बात की चर्चा कर रहे थे, क्या अप्रासंगिक हो चुके हैं नीतीश कुमार। लेकिन नीतीश कुमार ने ये साबित कर दिया इस चुनाव में कि नीतीश कुमार अभी भी प्रासंगिक हैं, अभी भी आप उनको रूल आउट नहीं कर सकते हैं। नीतीश कुमार ने अपनी अहमियत बता दी, ड्राइविंग सीट में आ चुके हैं नीतीश कुमार, किंग मेकर की भूमिका में आ चुके हैं नीतीश कुमार। तो जाहिर तौर पर इंडिया गठबंधन पूरी तरह से कोशिश करेगा कि जिस तरीके से उनको दरकिनार करने की कोशिश की गई थी, मार्जिनलाइज करने की कोशिश की गई थी जब वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा थे, अब वैसी बात ना हो। तो पूरी कोशिश होगी तेजस्वी यादव की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से, कि एक बार नीतीश कुमार फिर से पाला बदलें और उनके खेमे में चले जाएं। लेकिन तेजस्वी यादव को भी तो काफ़ी झटके लगे ना, देखिए पूर्णिया में पप्पू यादव को चाहते थे कि वो ना जीते, वो जीत गए, तो कई ऐसी बातें हुई हैं। उन्होंने खूब मेहनत की, चुनाव लड़े, हाँ ठीक है शाहबाद क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन रहा महागठबंधन का, लेकिन आरजेडी को तो सिर्फ 4 सीटें ही मिली। लोकसभा के परिणाम जाहिर तौर पर राजद को 4 सीटें मिली, लेकिन आप देखिए वोट शेयर क्या मिला है राजद को। मुझे लग रहा है कि 2025 की तैयारी है पूरी। दूसरी अहम बात यह है कि मैं तेजस्वी यादव को एक बड़ा मैच्योर पॉलिटिशियन के रूप में देख रहा हूँ। अब आप सोचिए कि कैंपेनिंग में लालू प्रसाद यादव कितनी जगह गए, थोड़ा मीसा भारती के लिए उन्होंने किया और रोहिणी आचार्य के लिए थोड़े बहुत किया, बाकी किसी के लिए भी उन्होंने कैंपेन नहीं किया। अधिकांश निर्णय तेजस्वी यादव ले रहे हैं पार्टी के लिए, और जिस हिसाब से मैच्योर बयानबाजी हो रही है तेजस्वी यादव, तो मुझे लग रहा है कि जो थिंक टैंक उनके पीछे काम कर रहा है वो थिंक टैंक काबिले तारीफ है। लेकिन लगता है कि हाँ तेजस्वी यादव को अगर फिर से जीवनदान मिलेगा, लेकिन अगर तेजस्वी यादव के लिए कहीं बाउंस बैक कर गया तो अगर नीतीश कुमार आते हैं फिर वो लेते हैं कि अभी हाल ही में उन्हें छोड़ के गए हैं, तो ये बाउंस बैक भी करेगा। नीतीश कुमार हैज़ हैड हिज इनिंग्स, अब उनकी इनिंग्स जो है वो समाप्ति की ओर है, बहुत लंबा इनिंग नहीं बचा है। तेजस्वी यादव की तो ये शुरुआत है, और शुरुआत में ही जो मैच्योरिटी वो दे रहे हैं, आप उनके बयानों को देखिएगा। आपने कभी भी कोई ऐसा लूज बयान सुना है क्या हाल के दिनों में तेजस्वी यादव का, जो सुर्खियाँ बटोरे, बहुत सोच समझ करके बयानबाजी करते हैं। दूसरी अहम बात कि इसी चुनाव में अकेले अपने दम पर वो कैंपेन करते रहे, निश्चित रूप में मजबूत रहेंगे, काफ़ी परिपक्व नेता के रूप में उभरे हैं तेजस्वी यादव। कास्ट इक्वेशन की अगर हम बात कर लें तो वो भी उनके फेवर में ही जाता दिख रहा है, क्योंकि मैंने नहीं देखा कि किसी तरीके से MY समीकरण में अभी तक डेंट हो पाया है। जो इस बार के नतीजे आए हैं वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि परफॉर्मेंस 2025 में विधानसभा में चूँकि मुद्दे अलग हो जाते हैं, लोकसभा में मुद्दे अलग रहते हैं, मुझे लगता है परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त रहना है। लेकिन अगर नीतीश कुमार भी साथ आते हैं, जिसके कि कयास लगने शुरू हो गए हैं कि नीतीश कुमार आखिर कब तक NDA के पाले में रहेंगे, अगर ऐसा हो जाता है तो मान के चलिए कि वो बहुत विनिंग फार्मूला होता है, विनिंग कॉम्बिनेशन होता है। तो अभी कह दिया कि नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ेगी NDA, NDA में भी अगले साल फेस नीतीश कुमार होंगे, और BJP ने इसे एक्सेप्ट भी कर लिया, मान लिया, तो अगर नीतीश कुमार NDA की तरफ रहते हैं तब तो फिर सम्राट चौधरी जी के बयान को मैंने भी सुना था, साफ तौर से कह रहे हैं कि 2025 में नेतृत्व नीतीश कुमार ही करेंगे। अब ये बयान ताज़ा बयान है, इसके पहले बयान अलग हुआ करता था कि 2025 में देखेंगे, लेकिन अभी जो बयान ये आया है ये मुझे लगता है कि भाजपा को भी पता है कि नीतीश कुमार अब अगर पाला बदलते हैं तो भाजपा के लिए डिजास्ट्रस हो सकता है। नीतीश कुमार ने BJP को झुका दिया, बिल्कुल झुका दिया है, बैकफुट पर है भाजपा यहाँ पर, और ड्राइविंग सीट पर आ चुके हैं नीतीश कुमार एक बार फिर से।
देखिए नीतीश कुमार ड्राइविंग सीट पर आ चुके हैं, कैसे बिहार की राजनीति का फॉर्मूला बदला है ये हमने समझने की कोशिश की है, और आगे क्या संभावना है उस पर हमने वरिष्ठ पत्रकार शिवपूजन झा जी से बात की है। आप लाइव स्ट्रीम साथ बने रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऐसी ही चर्चाओं के साथ आपको हम मुखातिब कराते रहेंगे। बिहार की राजनीति की चर्चाएँ, अंदर की खबर हम आपको बताएंगे। धन्यवाद।